हुजूर हदीस में है कि जिस आदमी ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ ली वो मुसलमान बन जाता है। लेकिन फिर पाकिस्तान में जो अहमदी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ क्यों नहीं पढ़ सकते अहमदी वहाँ पर क्यों नहीं पढ़ सकते? सर तो मसला यही है, वो कहते हैं कि तुम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ लो बेशक, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह जो तुम कहते हो ना तो तुम्हारी मिसा दिल में नाउज़ु बिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बजाय ना मोहम्मद मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम होते हैं। तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते नबी बल्कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को अलैहिस्सलाम को मानते हो, जो गलत है। अभी हदीस पढ़ी है ना, तो अल्लाह ताला ने फरमाया था उनको कि तुमने उसको दिल चीर के देखा था, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पता नहीं लगा, उस सहाबी को तो पता नहीं लगा कि उसने दिल से कलमा पढ़ा है या ज़ाहिरी कलमा पढ़ा है। लेकिन ये आजकल के जो मौलवी हैं पाकिस्तान में ये कहते हैं हमें पता है कि तुम दिल से कलमा नहीं पढ़ते, तुम गलत पढ़ते हो, इसलिए हम तुम्हें मारते हैं, कत्ल करते हैं, जो मर्जी करें हैं। तो उनके दिमाग ख़राब हो जाए फिर इसी तरह होता है ना, कोई दलील तो नहीं होती उसकी हैं। अक्लमंद के आदमी के सामने दलील जी जा सकती है ना, पागल के सामने तो दलील जी जा सकती है।